जय हिंदू राष्ट्र। काम मनुष्य की प्रबलतम वृत्ति है, सबसे प्रबल वृत्ति। दो धाराएं जो इस भारत को नष्ट करना चाहती हैं, उनमें से एक ईसाइयत की दृष्टि में यह पाप है, यह बेसिक सिन है, प्राइमरी सिन है काम। और दूसरी धारा इस्लाम, उसमें काम के अलावा कुछ है ही नहीं, काम और जिहाद, सारा काम। 65 वर्ष का बुढ़ा भी होगा वो भी यही सब सोचता रहेगा। आप निकट से अगर इस्लामियों को जानेंगे तो आप पाएंगे कि वो घर में बिठाने लायक लोग नहीं होते, उनके अंदर बहुत कुत्सित भावनाएं होती हैं। हम लोग बीच के लोग हैं, हम ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास में विश्वास करते हैं। हालांकि इस प्रकार की रचनाएं हमारी नहीं रही हैं, हमारे महापुरुष कभी संन्यास नहीं लिया उन्होंने, कभी वानप्रस्थ नहीं लिया रामकृष्ण इत्यादि ने, फिर भी हम इस काम को जीवन का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। तो प्रबलतम वृत्ति होने के बावजूद इसके कुछ नियम हैं, उनमें से एक यह है कि ये इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इसमें सम्मिलित होते हैं ये सहज रूप से, तो उनमें दोनों की परस्पर स्वीकृति होनी चाहिए। किसी के साथ दबाव डाल के किसी को ऐसे जीवन में धकेलना जहां उसकी इच्छा अनिच्छा मैटर ही नहीं करती, उसका कोई महत्व नहीं है, वो बहुत अनुचित काम है। ये समाज की धुरी हिलाने का, परिवार के धुरी तोड़ने का कार्य है। इस कार्य को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मगर एक लंबे अरसे तक एक नगर में ये एक पाप हुआ। अजमेर दो कारणों से चर्चित है, एक कुत्सित कारण है। वहां अजमेर में एक मुल्ला दफन है जिसने राजस्थान के क्षेत्र के हिंदुओं के इस्लामीकरण में बड़ा योगदान दिया, और उसके लोग ही, उसके साथ ही उसके परिवार के लोग जो उसके बाद में वंशज बने, वंशज हुए, उन वो लोग इस कुत्सित कांड में इन्वॉल्व थे। एक लंबे अरसे पहले, 30-40 साल पहले ये कांड हुआ था और बहुत चर्चा में आया था। ये स्वाभाविक है, 10th 11th 8th आते आते शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोनल चेंज का मतलब हमारे अंदर काम का भाव जागृत होने लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में। उस टेंडर एज में कोई कंधे पर हाथ भी रख देना तो बदन में सेहरन आ जाती है। उस काल में यहां के लोग, यानी जो ये दरगाह है इसके लोग और वहां कांग्रेस के नेतागण, उनके बच्चे, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। गड़े मर्दे उखड़ के आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि अब एक पिक्चर इस पर आने वाली है, ये सारी बातें लोगों के सामने आएंगी, बहुत सारे लोगों के बदन में सेहरन दौड़ जाएगी। एक काल ऐसा गुजरा है कि अजमेर की लड़कियों से विवाह करने के लिए कोई आसपास के क्षेत्र का व्यक्ति राजी नहीं था। लोग अपने बच्चों के विवाह करने के लिए अपनी बेटियों को, अपनी भांजियों को, भतीजियों को जो अजमेर में थी, उनको, चाहे वो इसमें इन्वॉल्व थी कि नहीं, उनको आसपास के नगरों में भेज देते थे और वहां पर उनके एडमिशन दिखा दिए जाते थे कि ये वहां पढ़ती रही हैं, उस स्कूल से, उस कॉलेज से इनका कोई मतलब नहीं। हुआ ये था कि एक इस्लामी व्यक्ति की दोस्ती किसी लड़की से हो गई, सारी विक्टिम्स हिंदू थी, और वो उसको किसी तरह से पटापुट होके कहीं ले गया और वहां उसके साथ 3-4 लोगों ने बलात्कार किया, उसके फोटोग्राफ्स खींच लिए। जाहिर है एक 15-16-17 साल की अबोध लड़की, उसके बस का क्या था, वो चुप रही। 5-4 दिन बाद उसको फिर बुलाया गया, 5-4 दिन बाद फिर बुलाया गया, ऐसा 3-4 बार जब हो लिया तो उससे कहा गया कि अपनी साथी लड़की किसी से दोस्ती कराओ।
नहीं तो ये तुम्हारे फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं, हम इनको लोगों को दिखा देंगे। इस घटनाक्रम में ये कई साल चला है, इस घटनाक्रम में कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, मगर कुछ अपनी दोस्त को ले आई। उस दोस्त के साथ भी फिर ये 3-4-5 लोगों ने बलात्कार किया, कई लोगों ने, उसके बाद उसके फोटो ले लिए गए। इसके बाद इसी तरह से लड़कियां बढ़ती गईं। फोटोग्राफ कैसे, इनको डेवलप कैसे करना था, ये फोटोग्राफ आज का जमाना नहीं है, उस जमाने में डेवलप करने के लिए अलग सिस्टम होते थे, दुकानें होती थी, वहां वो रीलें दी गई, उनके फोटोग्राफ बनवाए गए, उन्होंने डबल ट्रिपल बना लिए फोटोग्राफ, एक सेट उनको दे दिया, दो सेट अपने पास रख लिए। अब उन लड़कियों की ताक में वो जो डेवलप करने वाले लोग थे वो लग गए, उसका मालिक, उसके कर्मचारी, अब उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया, कहा कि हमारे पास आओ वरना हम ये दिखा देंगे। ये स्थिति इतनी बिगड़ी कि वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी, उनकी बेटियां इसमें इन्वॉल्व थी, पुलिस वालों की बेटियां इसमें इन्वॉल्व थी। हमारे परिवारों में कितनी भी आत्मीयता हो, मगर पिता पुत्री में, माँ बेटी में ऐसे संबंध नहीं होते कि इस प्रकार के किसी दबाव को वो शेयर कर सकें। वो कुछ नहीं हुआ और ये घटनाएं काफी लंबे समय तक चली। इस दबाव को जो लोग झेल नहीं पाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर कुछ लड़कियों ने साहस किया, नाम बताए उन लोगों के, पुलिस केस दर्ज हुआ, ये लोग पकड़े गए, इन पर केस बनाया गया। कुछ लोगों के अनुसार 250-300 लड़कियां थीं, कुछ के अनुसार 1000 से अधिक लड़कियां थीं। इसका सत्य कभी सामने नहीं आएगा कितने लोगों के साथ ये भयानक अत्याचार हुआ, इसलिए कि इसकी सब स्पष्ट बातें करने वाले लोग, दृढ़ता से सामने आने वाले लोग बहुत कम थे, और सामने आकर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब ये केस आज भी चल रहा है, किसी को सजा नहीं हुई है, गवाहियां नहीं हो पाई, महिलाएं जो उस समय लड़कियां थीं बड़ी हो गईं, अब अच्छी खासी उम्र की हैं, वो लोग परेशान होती हैं, पुलिस वालों से कहती हैं कि हमें कब तक घसीटोगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लगातार ही काम चल रहा है। जजेस ने इसमें कुछ नहीं किया, कोई चीज नहीं। ये जुडिशरी जो सारी भारत को आदेश देती है, तुम यूं कर लो, तुम वो कर लो, बिना सोचे समझे अंडबंड बिल्कुल। इस दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसे आदेश पारित किए हैं, एक सप्ताह के अंदर दिल्ली के सारे कूड़ों का निस्तारण हो जाए। ये जो लैंडफिल साइट है, जो बिल्कुल ताजमहल के बराबर के कूड़े के ढेर दिल्ली में दो जगह बने हुए हैं, एक नोएडा के कोने पर है और एक दिल्ली में हरियाणा की तरफ जाते हैं तो वहां पर है, एक सप्ताह के अंदर ही समाप्त हो जाए। कैसे होगा, जादू की छड़ी है किसी के पास, गिली गिली बू करेगा, यूं करके हटवा देगा, और ये कूड़ा हटेगा तो जाएगा कहां, इसका करेंगे क्या। ये जो बड़े सामान्य रूप से लोग बात करते हैं कि ये यूं हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, होगा कैसे। ये जो करोड़ों का चट्टा लगा हुआ है मुकदमों का, करोड़ों मुकदमों का, जिनमें सिर्फ तारीख पे तारीख दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता, आदमी का जीवन गुजर जाता है उसके हिस्से में। ये राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है, बहुत ही जोरदार जुमला है उनका, पुनर्जन के सिद्धांत की खोज दीवानी अदालतों में हुई थी। ये इसलिए थी कि मुवक्किल को इसकी तसल्ली रहे कि इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, किसी जन्म में मुकदमे का फैसला हो जाएगा। पुनर्जन्म की खोज दीवानी अदालत में हुई थी। ये केस आज भी वही कोर्ट में चल रहा है। इसके जो अभियुक्त थे, जो वहां का मुल्ला दफन है, क्या नाम इसका, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, इसी के खानदान के लोग थे, इसी के खानदान के लोग कांग्रेस में भी सक्रिय थे। ये सैकड़ों लोग थे, एक एक लड़की के साथ क्या गुजरा होगा, कैसा भयानक हाल हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं।
अपने परिवार की किसी स्त्री के बारे में, अपनी बिटिया, अपनी बहन, अपनी माँ के बारे में सोचिए कि वो वहां होती, विक्टिम होती तो क्या गुजरती, परिवार पर क्या, अपने आप को इस दुखद भयानक कांड से जोड़कर देखिए। हमारा इतिहास बहुत मर गया है, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे हमारी भारत की स्त्रियों के साथ जो कुछ हुआ है उससे हम कभी भी अटैच नहीं होते। हमें सोचता ही नहीं कि जो जौहर हुए हैं जिसमें हजारों महिलाएं सती हो गई हैं, बलिदान हो गई हैं, जिन्होंने जीते जी अपने आप को मरना, किसी भी व्यक्ति के जलकर मरने में 7 मिनट का समय लगता है, ये नसें फट जाती हैं, भयानक वो 7 मिनट यातना कितनी भयानक होती इसकी कल्पना सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। एक जलते हुए तवे पे उंगली लग जाए तो एकदम से हम चीख उठते हैं, 7 मिनट तक सतत भुन जाना, जल जाना, शरीर पिघलता है, ब्रेन पिघल जाता है, हम उससे अपने आप को अटैच नहीं करते। वो हमारे परिवार की महिलाएं थी, हमारे घर के लोग थे। इस भाव से जब तक इन सारी समस्याओं को नहीं देखेंगे, इनकी भयानक स्थिति को, इसकी भयावहताओं को हम समझ नहीं पाएंगे। बरसों ऐसा रहा है कि अजमेर में अजमेर की लड़कियों से लोगों ने विवाह नहीं किए, संबंध नहीं किए, केवल इस कारण से कि उनको लगता था कहीं ये भी तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं वो भी तो इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो करने वाले लोग थे, ऐसा देखिए, काम मनुष्य की प्रबलतम वृत्ति होती है, सहज है, सामान्य बात है, मगर वो मानसिकता कि एक लड़की को ले आए और फिर उसको 4-5 लोगों ने दबोच लिया और उसके साथ भयानक रूप से बलात्कार किया और फोटो लिए, फिर कुछ दिन बाद फिर उसके साथ ये हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर ये हुआ, जब वो इसकी अभ्यस्त हो गई, उसके अंदर शौक निकल गया 3-4-5 बार के बाद, तब उसको कहा कि अब किसी दोस्त को लेके आओ, अन्यथा इनके फोटो हम दिखाएंगे। जिन जिन लोगों को ये पता लगा, फोटोग्राफर्स को, डेवलप करने वाले लोगों को, वो भी इसी भीड़ में शामिल हो गए। आप कल्पना करें, एक लड़की अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, उसको बीच में कौन रोक लेगा और कहेगा ये फोटो है मेरे पास, चल मेरे साथ, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, कैसा भयानक अत्याचार का वातावरण उस नगर में रहा होगा। और ये करने वाले कौन लोग थे? मुइनुद्दीन चिश्ती की कोई भी अधिकृत जीवनी पढ़ लीजिए, जब ये 95-96 कुछ ऐसी 90 के उससे ऊपर की आई है, तब इसने एक 16 या 15 वर्ष की लड़की से विवाह किया था। निश्चित रूप से ये किसी दूसरे के पढ़ने के लिए किताब खरीदने के बराबर ही है, निश्चित रूप से, मगर ये उस चिश्ती समूह की सामान्य मानसिकता है। जो लोग वहां जाते हैं ना और उसके गिलाफ के नीचे अपनी खोपड़ी डाल के दुआ पढ़वाते हैं और गुलाब के फूल पढ़वाते हैं, मैं भी गया हूं, मेरे पिता और मेरी माँ और मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग, मैं समय शायद 12वीं में था, हम लोग घूमने निकले थे सारे भारत के भ्रमण पर, अजमेर भी गए थे, तो हमको पकड़ा किसी मुल्ला ने, उसने कहा कि इसी गिलाफ के नीचे सर, हमने क्यों, बोले दुआ पढ़नी होती है, इससे सवाब मिलता। मैंने कहा मुझे सवाब की जरूरत नहीं है, मैं केवल देखने आया हूं क्या है, इसकी आध्यात्मिकता में, इसकी पवित्रता में, इसकी पाकिजगी में, उर्दू बढ़िया बोलता था तब भी, इसकी पाकिजगी में मेरा कोई यकीन नहीं है। वो मुझे घूरने लगा, मैं उसी दृढ़ता से खड़ा रहा, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ आया हूं जैसे अजमेर में और चीज देख रहा हूं, यहां भी देख रहा हूं। इन सबकी परंपरा के लोगों ने ये लगातार किया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस तनाव का जो उन लड़कियों ने झेला। फिर उनमें से कुछ लोगों ने साहस के साथ ये बात प्रकट की। इस केस को लगातार जो भी सरकार रही है, क्योंकि वहां तो कांग्रेस भाजपा की बदल बदल के सरकार आती है, किसी ठिकाने लगने नहीं दिया दोनों सरकारों ने, भाजपा भी उसमें जिम्मेदार, कांग्रेस भी जिम्मेदार। जो लोग इसमें अभियुक्त थे, अब वो 60-70 साल के हो लिए, किसी ने इसकी चिंता नहीं की क्या होने वाला। मातृभूमि की अपनी संतानें आक्रमणकारियों के द्वारा, उनकी औलादों के द्वारा आज भी सताई जा रही हैं, लगातार सताई गई हैं। किसी को इससे एतराज हो तो, अभी हाल में आफताब ने
श्रद्धा का कत्ल किया और ऐसे 50 किस्से आपको मिल जाएंगे। ये घटनाएं सामान्य हैं, क्योंकि सेक्स के प्रति जो दीन बंधुओं का भाव है, दीनियों का भाव है, सोच है, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका जीवन काम से शुरू होता है और काम पे अंत होता है, 60-65-70 वर्ष। कभी आपने सुना है किसी हिंदू व्यक्ति को किसी कुतिया के साथ, किसी बकरी के साथ, किसी और जानवर के साथ सेक्स करते हुए? दसियों बीसियों आपको इस्लामियों के घटनाएं मिल जाएंगी, बल्कि न मिल जाएंगी, न केवल घटनाएं मिलेंगी, इस तरह की बातें हदीसों में हैं, क्षमा करेंगे, फतवों में हैं, किसी बकरी के साथ पेनेट्रेट कर दिया, एजुकेलेट नहीं हुआ और उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया तो वुजू होगा कि नहीं, वो नमाज पढ़ सकता है कि नहीं, या ये कर सकता है कि नहीं। जिस बकरी के साथ सेक्स किया गया है वो हामिला, उसके पेट में बच्चा है, उसकी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, या बच्चे के डिलीवर होने तक का इंतजार करना पड़ेगा? इस किस्म की बेहुदा बातें भरी पड़ी हैं फतवों में। सेक्स को लेकर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है पूरा समाज, यही सब सोचता रहता है। इनके लिए कोई भी, मतलब मैं सोचता हूं कि आईएसआई वाले या ये जो सीरिया और इराक में काम करते हैं, इन्होंने हजारों भेड़े मंगवाई न्यूजीलैंड से सेक्स के लिए, जो उनके सोल्जर्स थे उनके लिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई भेड़ आती दिखाई दे तो किसी को वो सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकती है, मगर यहां दीन का यही हाल है। और ये उस मानसिकता का ही परिणाम था, और वो मानसिकता बदली नहीं है, वैसी की वैसी है। काश ये पिक्चर आए और न्याय करे, यानी पूरी प्रामाणिकता से जो हुआ है उसको दिखाए, और उसके बाद न्यायपालिका पर दबाव पड़े, क्योंकि इसके अभियुक्तों में से कई तो मर चुके हैं। इन सब की दुर्गत होनी चाहिए, इन सबको जेलों में सड़ना चाहिए। इन्होंने मातृभूमि की संतानों के साथ जो भयानक व्यवहार किया है उसका न्याय होना शेष है। न केवल इसका न्याय होना शेष है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका न्याय होना शेष है।